मीडिया वाले कह रहे थे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। हमने कहा सिर्फ 400 पार का नारा क्यों नहीं 600 पार का नारा दिया। भाजपा वाले 600 पार का भी नारा दे सकते हैं। भाजपा वाला कह सकते हैं कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी, वो तो 700 पार का भी नारा दे सकते हैं। क्या नारा दिया था दिल्ली में गोपाल जी, याद है आपको? 45 पार। कितना नारा दिया था बीजेपी वालों ने? कितना दिया था? आई कितनी? चलो भाई ये सब नहीं बोलूंगा। ये कह रहे आई तड़ी पार, 8 सीट आई 8 सीट। बंगाल में कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? आई कितनी? 1/4। 50-55 सीट आई। हरियाणा में कितना नारा दिया था? 75 पार। आई कितनी? 40 सीट। मेघालय या मिजोरम कौन सा अभी मुझे चुनाव बता रहे थे, वहां नारा दिया था 21 पार, वहां आई 1 सीट। कितनी आई? 1 सीट। जब 21 पार का नारा देते हो आती है 21, 1। जब 200 पार का नारा देते हो आती है 50। जब 45 पार का नारा देते हो आता है 8। तो जब 400 पार का नारा दे रहे हो तो आएगी 4। थोड़ा कम बोल रहे हो तुम लोग, इतने 4 थोड़ा है 40। तोमर जी कह रहे हैं 40 आएगी, 40 मान ले। चलो बहुत ताकत लगाएंगे, 100 आ जाएगी। इन जुमलों में मत फंसना, इन जुमलों के चक्कर में मत फंसना, मैं आपसे कहना चाहता हूं। बैठ जाओ। और एक चीज बताओ, इतने दिन से मीडिया वाले पत्रकारिता का कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को इन्होंने देखा है। रामनिवास गोयल जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता है, इन्होंने भी बहुत सारे नेताओं को देखा है। रामनिवास जी जरा मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई नेता अगर 400 पार सीट का नारा देकर उसके मन में विश्वास है कि 400 सीट आएगी, तो कभी वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? कभी वो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करेगा क्या? कभी वो झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? भैया 400 पार का जिसका नारा होता है और उसको यकीन होता है कि हमारी सरकार बन रही है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। इसलिए मोदी जी हार रहे हैं और 2024 में वापस